ए बी सी अपने को एक एंगल दिया 40 और एक एंगल दिया 90, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 40 डिग्री का, बीच में एक साइड बनाई है जिसकी लेंथ है 10, ये एंगल है 80 डिग्री का, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करें तो, नहीं तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हमें लेंथ दे दी है 10, तीन एंगल दे दिए, मैं बोला लेंथ ऑफ बी सी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्राई करा देता हूँ, ठीक है। मुझे बी सी की लेंथ निकालनी है, ये 40 ये 90, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक बात है। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180, ये 80 डिग्री का एंगल है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है, तो जब ये छोटे वाले ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है तो मेरा ये वाला एंगल कितना होगा फ्रेंड्स, ये एंगल क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये लगाते हैं क्या कि ना, मेरे को इसकी लेंथ पता है 10, मैं इसकी जैसी एक और साइड बना दूं जिसकी लेंथ 10 हो, वो कैसे बनेगी, मैंने क्या करा यहाँ पर 10 की ही एक और साइड बना ली, ये 10 की मैंने एक और साइड बना ली, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी लेंथ क्या है 10, तो मतलब ये कब होगा, ये तब होगा जब इन दो ये दोनों लेंथ बराबर 10 10 तब होगी, जब ये दोनों एंगल बराबर हो, मतलब ये एंगल 80 डिग्री हो गया, समझ जाओ बात स्टूडेंट्स, बस अब मेरा काम खत्म हो गया। देखो ये एंगल 80, ये एंगल 80, तो ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 80 80 ये लगे, तो ये वाला एंगल हो गया 20 डिग्री, ये वाला एंगल 20 डिग्री हो गया। अब एक चीज देखो बड़े आराम से होगी यार, ये एंगल 50 डिग्री, ये पूरा एंगल भी 50 डिग्री, 50 50, मतलब ये दोनों साइडें बराबर होगी, ठीक है, ये दोनों साइडें क्या होगी बराबर। अगर ये मेरा डी है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया मान लो ई, सबसे पहले जैसे ही मैंने ये दो साइडें बराबर बनाई, ये 10 है, अब मैंने क्या बोला ये एंगल 50 ये एंगल 50, तो ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी, शुरू में ये 10 थी, ये मैंने 10 बना ली, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 10। मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखो ये 10 था, इसके बराबर 10 मैंने ये बनाया, अब ये 10 है और ये दो एंगल बराबर है, ये भी 50 ये भी 50, तो ये दोनों साइडें बराबर होगी 10। अब क्या है स्टूडेंट, देखो कुछ भी कह सकते हो, ये पूरा 90 था, 90 में से 50 ये है, तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये एंगल भी 40 है और ये एंगल भी 40 है, देखो कैसे इस ट्राइंगल में ये 40 ये भी 40, दोनों एंगल अगर 40 40 डिग्री है, तो ये दोनों साइड बराबर होगी, तो अगर ये दो साइड बराबर होगी, ये 10 है तो ये भी क्या होगी, ये भी 10 होगी, यहां से लेकर यहां तक की। आपको क्या बोला था, बीसी की लेंथ निकालने को बोला था ना, बीसी की लेंथ निकला, ये 10 और 10 20, यही आपका